आप सभी को मेरे YouTube चैनल मेडिटेक में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह मिक्स रिदम से भोजपुरी ट्रैक को कंपोज किया है। और उससे पहले आपको हम बता दूँ कि आप लोग अगर ट्रैक बनवाना चाहते हैं, सिंपल ट्रैक, डीजे ट्रैक या मेलोडी कराना चाहते हैं, या मिक्स रिदम पे या डीजे पैटर्न पे, चाहे आप डीजे पैटर्न ट्रैक बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पर शो कर रहा है। किसी तरह के ट्रैक दोस्तों बन जाएगा और आपके सिंगर के बजट के अनुसार भी ट्रैक दोस्तों बनता है। अगर सिंगर आपका जिस हिसाब से बनवाना चाहते हो उस हिसाब से भी ट्रैक बन जाएगा। अगर सिंगर ज़्यादा पैसा दे रहा है आपको, तब ज़्यादा पैसा में हमसे ट्रैक बनवा सकते हैं, कम दे रहा है तो कम पैसा में बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिक्स रिदम से कुछ ट्रैक आपको कंपोज किए, आपको सुना देते हैं। थोड़ा इसको हम साइलेंट हटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा आप सुन लीजिए एक बार। थोड़ा सा म्यूजिक गाना गाने के बाद थोड़ा सा बजेगा। उसी तरह यहाँ मेरा म्यूजिक अंतरा का थोड़ा बजा हुआ है। देख रहे हैं मेरा हम बजा हुआ है। दो से तीन पैटर्न मात्र मेलोडी इसमें किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। और इसको हम ट्रैक को कंपोज कर लिए हैं। एक मुखड़ा, एक अंतरा, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं लेयर, वो डमी है। और ये मेरा मेलोडी किया हुआ था। इसमें देखिए, एक मेरा मेलोडी, दो तीन, ठीक है, तीन पैटर्न मेलोडी है, एक बेस लाइन है, एक कोड है। तो सबको हम बारी बारी से आपको सुना देता हूँ कैसे आप मतलब कम लेयर में आप ट्रैक बना सकते हैं। तो सबको मैं इसको अब साइलेंट कर देता हूँ। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। चलिए, ये सब मेरा साइलेंट हो गया। अभी एक बजेगा मेरा। ये मेरा दूसरा पैटर्न है। उसी तरह मेरा तीसरा बजा हुआ है। इसको भी खोल देते हैं। अब आ जाते, देखिए ये मेरा जो है बेस लाइन थोड़ा चल रहा है। शायद आपको कम सुनाई दे, हेडफोन में आप सुनिएगा तो आपको सुनाई देगा। उसी तरह मेरा कोड है गिटार का। तो कोड और बेस लाइन पूरा रिदम में हम दोस्तों इसको लगाए हैं। और बाकी चीज़ जो है आप देख रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। यहाँ से हम तीन पैटर्न आप कर दिए हैं वहाँ से, और उसके बाद इसको हम मतलब फुल में कंपोज करने का प्रयास किए हैं इसका। तो मिक्स रिदम से आप ट्रिक इस तरह बना सकते हैं। जैसे मिक्स रिदम, देखिए मिक्स रिदम होता क्या है कि जैसे सब कुछ, जैसे मतलब आप एक एक चीज़ करके बजाए, उसको एक्सपोर्ट कर लिए आपको MP3 में हो या वेब फाइल में, तो वो रिदम को, तो वो आपका रिदम हो गया। उस पर आप मेलोडी कर लीजिए मिक्स रिदम पे, तो आसान हो जाता है ट्रैक बनाना, म्यूजिक बनाना। उस हिसाब से आपके पास अगर मिक्स रिदम है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसी तरह आप मिक्स रिदम से ट्रैक बना सकते हैं। और आप मिक्स रिदम लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास जो भी मिक्स रिदम है आपको दे देंगे, उसका चार्ज आपको अप्लाई करना होगा। तो मिक्स रिदम भी आप परचेज कर सकते हैं, उससे आप ट्रैक बना सकते हैं। आपके पास मिक्स रिदम है, आप रिदम सेट कर लेते हैं, आप मेलोडी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या भोजपुरी ट्रैक बनवाना चाहते हैं, सिंपल ट्रैक हो, डीजे ट्रैक हो, तो या डीजे पैटर्न पे मेलोडी करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आप तो समझ लिए होंगे। क्योंकि मिक्स रिदम बस एक आपका रिदम बजना चाहिए और दो तीन पैटर्न में आपका मेलोडी होना चाहिए, बेस लाइन थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा कोड होना चाहिए। इस तरह इतना लगा के आप मिक्स रिदम से ट्रैक बना सकते हैं, भोजपुरी ट्रैक। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।